हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू द चैनल पैटवेस्टर। पिछले एक दो दिन से आपने टाटा मोटर्स के बारे में काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी। आज की रिसेंट न्यूज़ यह थी कि टाटा मोटर में काफ़ी बड़े इन्वेस्टर मीटअप का प्लान कर रहे हैं, जिसमें बड़े इन्वेस्टर में जैसे कि नाम इंक्लूड है राकेश झुनझुनवाला, मर्क्यू इन्वेस्टर्स और भी बड़े बड़े ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, फ्रैंकलिन टेम्पलटन इन्वेस्टमेंट, जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब बड़े लोग टाटा मोटर्स के लिए मीटअप करने वाले थे टू लाइक हैविंग सम इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा कुछ। ऑल्सो आपने और एक न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा मोटर्स ऑफशोर बॉन्ड रेज कर रहा है डेट कम करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए, जिससे कि स्टॉक काफ़ी अच्छा भाग रहा है आप बोल सकते हैं। होने से पहले एक छोटा सा मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा उनसे, जो उनके जो लेवल के कॉम्पिटिटर है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस टाटा मोटर्स की अराउंड 349 चल रही है, वही महिंद्रा का 805 रुपये है। तो महिंद्रा का ऑलमोस्ट डबल कॉस्टिंग है फॉर दी शेयर प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। मार्केट कैप ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का। एंड अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो महिंद्रा का 1812 सीआर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है ऑन ईयरली बेसिस। बट अगर आप यही आप टाटा मोटर्स का देखेंगे तो ये माइनस में चल रहा है, माइनस 13,000 सीआर ऑलमोस्ट। एंड टाटा मोटर्स इज़ नॉट प्रॉफिटेबल कंपनी, इसकी वजह से उनका पी भी दिखा रहा नहीं दे रहा। एंड महिंद्रा मोटर्स का भी है पी 55 का है, इंडस्ट्री पी है 65, ऑटो इंडस्ट्री का पी आप बोल सकते हैं 60.8 है। अगर डेप्थ की बात करेंगे तो टाटा मोटर्स पे ऑलमोस्ट 1,21,00,000 का डेप्थ है, जो ही महिंद्रा में वो अराउंड 55,000 के आसपास है। एंड कैश रिजर्व ऑफ 54,000 सीआर के आसपास है टाटा मोटर्स के पास, वही महिंद्रा के पास 41,200 सीआर का कैश रिजर्व है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी कम है टाटा मोटर्स की इफ़ कम्पेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो 9.35 है। अगेन रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का डिफरेंस होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल पे जो रिटर्न्स मिला है इस कंपनी को, जैसे कि कंपनी ने जो फंड्स रेज किया है आफ्टर गेटिंग दी लोन्स और एनी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो रिटर्न मिल रहा है टाटा मोटर्स को, वो 6.75% है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब एक्चुअल कंपनी ने खुद के पैसे कितने लगाए उस पर रिटर्न ऑलमोस्ट कंपनी का -23 है। तो कंपनी शुरू से ही आप बोल सकते हैं कि लॉस मेकिंग है। ऑल्सो EPS भी काफ़ी कम है टाटा मोटर्स का। ऑल्सो रिटर्न ऑन एसेट्स, ये काफ़ी सारे जो फैक्टर्स है दे आर वेरी निगेटिव। डेप टू इक्विटी आप देखेंगे, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है ऑलमोस्ट 1.21 लाख सीआर का डेप है कंपनी पे। तो लुकिंग एट द फंडामेंटल कंपनी डजेंट लुक वेरी गुड, बट क्योंकि टाटा मोटर्स टाटा का एक ब्रांड वैल्यू है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर लाइक वेरी रिलायबल ऑन दिस स्टॉक। ऑल्सो अगर हम EV की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करेंगे, तो इंडिया में अभी टाटा मोटर्स ही इसमें लीडर है। जैसे कि आपने बीच में और एक न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट 4,000 EV नेक्सॉन बेच दिए हैं इंडियन मार्केट में, तो दे आर द फर्स्ट मूवर इन द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट। ऑल्सो टाटा का मैनेजमेंट इज वेरी रिलायबल इन इंडिया, टाटा कंपनी इज स्टैंड फॉर देयर ट्रस्ट। तो टाटा कंपनी का मैनेजमेंट ने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट की है लास्ट ईयर कि टाटा मोटर 3 साल में डेट फ्री हो जाएगा, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। एंड टाटा मोटर का जो ट्रस्ट फैक्टर है उसकी वजह से दे डेफिनेटली 3 साल में वो नेट डेट फ्री हो सकते हैं। तो अगर आपका टाटा मोटर्स पे और टाटा सन्स पे, टाटा के ब्रांड पे आप काफ़ी रिलाई करते हैं, आपका ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर मोर देन 3 ईयर्स। अदरवाइज़ आप कोई दूसरा ब्रांड देख सकते हैं। अगर आप ऑटो सेक्टर में ही देखना चाहेंगे तो यू कैन गो फॉर लाइक मारुति, जिनकी बैलेंस शीट मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है इन कंपेरिजन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बाय करने का एक ही मतलब मकसद हो सकता है, वो है टाटा का मैनेजमेंट। तो आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। ये जस्ट मेरा एक मकसद था कि टाटा के जो बैलेंस शीट एंड नंबर्स है वो आपके सामने आ चुके हैं, एंड टाटा के एफर्ट्स भी कंपनी को आगे ग्रो करने के, ये मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।